गोरखपुर न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूँ पूजा वर्मा। आगे बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। गोरखपुर न्यूज के सह प्रायोजक है मटकू मंगलम टावर गोलघर गोरखपुर। दो दिवसीय दौरे पर अपने गृह जनपद गोरखपुर पहुंचे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ विभिन्न कार्यक्रम में लिया भाग। गोरखनाथ मंदिर में करेंगे रात्रि विश्राम। शुक्रवार को प्रातः 9:30 बजे से सरयू नदी के बाढ़ प्रभावित जनपदों गोरखपुर संत कबीर नगर बस्ती अयोध्या गोंडा एवं बाराबंकी का करेंगे हवाई सर्वेक्षण। गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए जिलाधिकारी कृष्णा करुणेश ने बुधवार को इस्लामिया कॉलेज ऑफ नर्सिंग की छत गिरने से हुई घटना पर कहा कि घटना में दो व्यक्तियों को किया गया रेस्क्यू। एक की मौके पर हो गई मौत, दूसरे का हॉस्पिटल में चल रहा है इलाज। जांच के लिए सिटी मजिस्ट्रेट के नेतृत्व में टीम किया गया है गठित। रिपोर्ट आने के बाद की जाएगी कार्यवाही। विश्व प्रसिद्ध धार्मिक पत्रिका कल्याण के आदि संपादक हनुमान प्रसाद पोद्दार भाई जी की 130वीं जयंती पर सीएम योगी ने दी उन्हें शब्दांजलि। कहा, विचार एवं आचरण में समभाव रखने वाला ही सच्चा धार्मिक सनातन धर्म संस्कृति के प्रति समर्पित रहा है भाई जी का जीवन। छह वर्ष के बच्चे का अपहरण कर फिरौती मांगने के आरोप में अभियुक्त अनिल को बेलघाट थाने की पुलिस ने किया गिरफ्तार। अपहृत बच्चे व मोबाइल को किया बरामद। एसपी साउथ ने किया खुलासा। जीडीए के नवागत उपाध्यक्ष महेंद्र सिंह तंवर ने कार्यभार किया ग्रहण। कहा, चल रहे विकास कार्यों को समय से पूरा करवाना ही होगा उनकी पहली प्राथमिकता। गौड़ व गौर जातियों के उपजातियों की समस्याओं को दूर करने के लिए मंडलायुक्त रवि कुमार एनजी ने की बैठक। समस्याओं के समाधान के लिए संबंधित अधिकारी को दिया आवश्यक दिशा निर्देश। बदलते मौसम में बड़े विभिन्न प्रकार के संक्रामक रोगों के रोगियों की संख्या। सीएमओ डॉक्टर आशुतोष कुमार दुबे ने कहा, छोटी छोटी सावधानियों से निश्चित रूप से बच सकते हैं विभिन्न प्रकार के संक्रामक रोगों से। 7 से 31 अक्टूबर तक चलाया जाएगा दस्तक अभियान। और सेवा पखवाड़ा के अंतर्गत जल संरक्षण व जल संचय के प्रति जागरूकता अभियान के तहत भाजपा के पिछड़ा वर्ग मोर्चा के प्रदेश उपाध्यक्ष चिरंजीव चौरसिया की अध्यक्षता में जल ही जीवन विषय पर गोष्ठी का किया गया आयोजन। सभी ने जल संरक्षण का लिया संकल्प। अब खबरें विस्तार से। दो दिवसीय दौरे पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अपने गृह जनपद गोरखपुर पहुंचे। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री योगी गीता वाटिका में श्री भाई जी के 130वें जन्मोत्सव के अवसर पर भागवत कथा रस सिद्ध गृहस्थ संत नित्य लीलालीन भाई जी श्री हनुमान प्रसाद जी पोद्दार की तपोभूमि गीता वाटिका में भाई जी की 130वें जयंती महोत्सव के उपलक्ष्य में आयोजित 9 दिवसीय श्रीमद् भगवत महापुराण कथा में भाग लिया। उसके बाद मुख्यमंत्री योगी गोरखनाथ मंदिर पहुंचे, जहां पर उन्होंने गुरु ब्रह्मलीन महंत अवैधनाथ के समाधि स्थल पर पहुंचकर मत्था टेक कर आशीर्वाद लिया। रात्रि विश्राम मुख्यमंत्री योगी गोरखनाथ मंदिर में करेंगे। शुक्रवार को सुबह जनता दरबार में दूर दराज से आए फरियादियों की समस्याओं को सुनेंगे। उसके बाद प्रातः 9:30 बजे से सरयू नदी के बाढ़ प्रभावित जनपदों गोरखपुर संत कबीर नगर बस्ती अयोध्या गोंडा एवं बाराबंकी का हवाई सर्वेक्षण करते हुए लखनऊ के लिए प्रस्थान करेंगे। जिलाधिकारी कृष्णा करुणेश ने बताया कि बुधवार को इस्लामिया कॉलेज ऑफ नर्सिंग में हुई घटना पर कहा कि बख्शीपुर स्थित इस्लामिया कॉलेज ऑफ कॉमर्स की छत अचानक गिर गया था, जिसमें 2 मजदूर दब गए थे। एनडीआरएफ टीम व यूपी पुलिस के माध्यम से उनको रेस्क्यू किया गया, जिसमें एक व्यक्ति की मौके पर मृत्यु हो गई थी और दूसरा व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसका अभी हॉस्पिटल में इलाज चल रहा है। जिलाधिकारी ने बताया कि पूरे प्रकरण की जाँच सिटी मजिस्ट्रेट की अध्यक्षता में टीम बनाकर कराई जा रही है और जो घायल है उनका उपचार किया जा रहा है। जांच रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए जिला अधिकारी कृष्णा करुणेश ने कहा, कल ये निर्माणाधीन पोर्टिको था इस्लामिया इंटर कॉलेज में, जिसका मतलब 6:30 के बीच में वो अंडर कंस्ट्रक्शन था, गिर गया, जिसमें 2 मजदूर दब गए थे। एनडीआरएफ टीम और लोकल पुलिस के माध्यम से उनको रेस्क्यू किया गया। एक उसमें अभी अंडर ट्रीटमेंट है, दूसरे उसमें मृत पाए गए। तो बाकी इस पूरे प्रकरण की जांच सिटी मजिस्ट्रेट की अध्यक्षता में टीम बना के कराई जा रही है।
और जो घायल हैं उनका बेस्ट पॉसिबल उपचार करने का प्रयास किया। ये हम एक जांच कमेटी बनी है, ये एक बार इसको वेरीफाई करके जब रिपोर्ट देंगे तो आगे की कार्रवाई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि विचार एवं आचरण में समानता का भाव रखने वाला ही सच्चा धार्मिक व्यक्ति होता है, यही उस व्यक्ति की विश्वसनीयता का आधार भी होता है। इस संदर्भ में मानवता की प्रतिमूर्ति हनुमान प्रसाद पोद्दार्थ भाई जी देह रूप में हमारे बीच ना उपस्थित रहने के बावजूद अपनी गोलोक यात्रा के 51 साल बाद भी श्रद्धा भाव से प्रासंगिक हैं। भाई जी ने जो कहा जो लिखा उसी के अनुरूप अपना जीवन भी जीकर समूचे सनातन धर्मावलंबियों को प्रेरित किया। सीएम योगी गुरुवार शाम गीता वाटिका में विश्व प्रसिद्ध धार्मिक पत्रिका कल्याण के आदि संपादक हनुमान प्रसाद पोद्दार भाई जी की 130वीं जयंती पर आयोजित श्रद्धा अर्चन कार्यक्रम में अपने भावों को श्रद्धांजलि रूप में व्यक्त कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि धर्म का वास्तविक मर्म क्या होता है, इसे नित्य लीलालीन गृहस्थ संत भाई जी हनुमान प्रसाद पोद्दार्थ ने समझा था, उसी के अनुरूप देश व लोकहित में उनका पूरा जीवन समर्पित रहा। सीएम योगी ने कहा कि भाई जी ने श्रीमद् भगवद गीता के आदर्शों को लेकर कल्याण के आदि संपादक के रूप में जो मानव कल्याण की सनातन संस्कृति की सेवा प्रारंभ की, उसी के अनुसार अपना जीवन भी जिया। वास्तव में उनका पूरा जीवन सनातन धर्म संस्कृति के आदर्शों के प्रति समर्पित रहा। सीएम योगी ने कहा कि सनातन धर्म केवल पूजा पाठ या उपासना विधि तक सीमित नहीं है, यह मूलतः जीवन पद्धति है जिसमें समस्त मानव कल्याण सांसारिक अभ्युदय से लेकर निःश्रेय के साथ भौतिक जीवन में उत्कर्ष से लेकर मोक्ष की प्राप्ति तक की विराटता समाहित है। उन्होंने कहा कि धर्म का अर्थ संपूर्णता के साथ समझना होगा। गीता के अनुसार धर्म छोटे से मार्ग तक सीमित नहीं है, अपने कर्तव्य के प्रति अग्रही व ईमानदार बनकर ही हम धार्मिक कहला सकते हैं, अन्यथा हमें धार्मिक कहलाने का अधिकार नहीं और यह धर्म के साथ न्याय भी नहीं होगा। सीएम योगी ने कहा कि मैं ही बड़ा, सनातन में यह भाव कभी नहीं होता, यह मेरा है यह तेरा है का भाव संकुचित बुद्धि के लोग रखते हैं। दुनिया में द्वंद्व इसी भाव से शुरू होता है, यह हर व्यक्ति जानता है कि सबसे प्राचीन ग्रंथ ऋग्वेद, सबसे प्राचीन धार्मिक नगरी काशी और सबसे पहले राजा मनु थे। विचार करना होगा कि हमसे प्रेरणा लेने वाले अर्वाचीन मत मजहब आज छा गए हैं, इसका कुछ तो कारण होगा। इस विचारणीय बिंदु पर भी हमें भाई जी का जीवन प्रेरित करता है। सीएम योगी ने कहा कि सनातन धर्म का भाव भाई जी हनुमान प्रसाद पोद्दार के जीवन में भी देखने को मिलता है। सनातन धर्म संस्कृति मानवता भारत के राष्ट्रीय आंदोलन व जीवन मात्र के प्रति कल्याण की भावना से जुड़ा कोई भी ऐसा अभियान नहीं जिसमें भाई जी ने प्रत्यक्ष भूमिका ना निभाई हो। गीता प्रेस और कल्याण को उन्होंने अपनी सेवा का माध्यम बनाया। स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय भागीदारी के चलते उन्हें जेल भी जाना पड़ा। सनातन धर्म हमेशा कहता है कि आत्मा कभी मरती नहीं, वह अजर और अमर है, सिर्फ देह बदलती है। इसी भावना के अनुरूप भाई जी के विचार हमें सदैव प्रेरणा देते हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि भाई जी जिन जिन अभियानों से जुड़े रहे उनमें से सभी कार्य एक एक करके पूरे होते दिख रहे हैं। अयोध्या में भगवान श्री राम का भव्य मंदिर बन रहा है, काशी विश्वनाथ धाम का कायाकल्प हो गया है, ब्रज क्षेत्र नए कलेवर में निखर रहा है, व्यापक परिवर्तन के रूप में प्राकृतिक खेती के माध्यम से भारतीय गोवंश को पुनर्जीवन मिल रहा है, योग को वैश्विक मान्यता मिली है, प्रयाग का भव्य एवं दिव्य कुंभ यूनेस्को की तरफ से मानवता की मूर्ति धरोहर घोषित हो चुका है, यह सभी भारत के सांस्कृतिक अभ्युदय के प्रारंभ का प्रमाण है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि सदी की महामारी कोरोना संकट काल में भारतीय जीवन परंपरा जिसमें आयुर्वेद और योग महत्वपूर्ण रूप से शामिल है को वैश्विक मान्यता मिली। उन्होंने कहा कि एक वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी के पोते जो अमेरिका के न्यू जर्सी में सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं उनसे मिलने आए थे। उस सॉफ्टवेयर इंजीनियर ने बताया कि कोरोना के दौर में अमेरिका में एक भारतीय रेस्तरां के सामने लाइन लगाकर वहां के लोग एक छोटे गिलास में 2 से 3 चम्मच हल्दी का पानी खरीद कर पी रहे थे।
इसके लिए $5 की कीमत भी चुका रहे थे। मुख्यमंत्री ने उनकी जिज्ञासा शांत करते हुए बताया कि हर भारतीय घर में हल्दी भोजन का अनिवार्य हिस्सा है और हल्दी के प्रयोग की परंपरा अपने यहाँ हजारों वर्षों से चली आ रही है। हल्दी की कीमत आयुर्वेद के जरिए अमेरिका ने कोरोना काल में समझा। मुख्यमंत्री ने कहा कि भारत की स्वास्थ्य सेवाओं पर जो लोग टिप्पणी करते हैं उन्हें कोरोना के समय आप ही जवाब मिल गया। उन्होंने कहा कि यद्यपि एक भी मौत दुखद है, फिर भी यदि तुलना करें तो अमेरिका में भारत से डेढ़ गुना अधिक मौतें कोरोना से हुई, जबकि भारत की आबादी 135 करोड़ के सापेक्ष अमेरिका की आबादी 33 करोड़ ही है। वहां स्वास्थ्य सुविधाओं की प्रचुरता के बावजूद बेहतरीन कोरोना प्रबंधन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत का रहा। इसमें भारतीय पारिवारिक जीवन का भी महत्वपूर्ण योगदान रहा। 21 जून को दुनिया के 150 से अधिक देश विश्व योग दिवस के माध्यम से भारत से जुड़ते हैं। चीन जैसा देश जो ईश्वर को नहीं मानता लेकिन योग को मानता है। भारत की आयुर्वेद, योग व नेचुरोपैथी दुनिया को कितना कुछ दे सकते हैं। कोरोना संकट काल में सबने इसे देखा, महसूस किया और अपनाया। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमें अपने ज्ञान, परंपरा व संस्कृति पर गौरव की अनुभूति करनी चाहिए। सीएम ने कहा कि पहले हमारे घर में नानी, दादी, बाबा, नाना के रूप में घरेलू वैद्य होते थे। हमने उनकी दी हुई ज्ञान परंपरा को विस्मृत कर दिया, लिपिबद्ध नहीं किया, पर हमारे ऋषि मुनियों में वैदिक ज्ञान को लिपिबद्ध कर संरक्षित किया। महाभारत के युद्ध के बाद जब पराभव काल आया तो नैमिषारण्य में 88,000 ऋषियों ने गोष्ठी की। मंथन के बाद ज्ञान को 3 साल तक अनवरत कार्य करके धरोहर के रूप में लिपिबद्ध किया। मध्यकाल में आक्रांताओं ने हमारी इस धरोहर को नष्ट करने का प्रयास किया था। इस धरोहर को संरक्षित करने की जिम्मेदारी हम सब की उसी प्रकार की है जैसे भाई जी ने किया था। भाई जी ने भारतीय मूल्य, संस्कृति, ज्ञान परंपरा को संरक्षित करने में अपना जीवन होम किया था। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि सिर्फ सत्ता का हस्तांतरण या राजनीतिक आज़ादी ही संपूर्ण आज़ादी नहीं हो सकती थी। इस बात को भाई जी बखूबी समझते थे। आज़ादी के बाद के भारत का स्वरूप क्या हो, इस चिंतन तथा गुलामी के चिन्हों को दूर करने के अभियान में वह हमेशा अग्रणी रहे। गोरक्षा, श्री राम जन्मभूमि, श्री कृष्ण जन्मभूमि, अछूतों द्वार, मानव कल्याण व आपदाग्रस्त मानव को लाभ दिलाने के अभियानों में वह सदैव आगे रहे। स्वतंत्र भारत में शिक्षा के लिए भी उनका सराहनीय प्रयास रहा। भाई जी के प्रति श्रद्धार्चन के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उनकी समाधि स्थल पर गए और पुष्पांजलि अर्पित कर अपनी श्रद्धा निवेदित की। इस अवसर पर कथावाचक विश्वनाथ भाई कश्यप, अखिल भारतीय इतिहास संकलन योजना के राष्ट्रीय संगठन सचिव डॉक्टर बाल मुकुंद पांडे, सिद्धार्थ विश्वविद्यालय कपिलवस्तु, सिद्धार्थनगर के अधिष्ठाता कला संकाय प्रोफेसर हरीश कुमार शर्मा, भारतीय इतिहास अनुसंधान परिषद के निदेशक शोध एवं प्रशासन डॉक्टर ओम जी उपाध्याय, हनुमान प्रसाद पोद्दार स्मारक समिति के सचिव उमेश सिंघानिया, संयुक्त सचिव राशेंदु फोगला, न्यासी प्रमोद मातन हेलिया, विष्णु प्रसाद आदि भी उपस्थित रहे। भाई जी की जयंती के कार्यक्रम में महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय वर्धा महाराष्ट्र के कुलपति प्रोफेसर रजनीश कुमार शुक्ल वर्चुअल माध्यम से जुड़े रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए भारतीय इतिहास अनुसंधान परिषद के निदेशक शोध एवं प्रशासन डॉक्टर ओम जी उपाध्याय ने कहा, माल्यार्पण और पुष्पांजलि। भैया आनंद भैया आनंद जय जय श्री राम। निवेदन की अपनी बात, नाराज जी का आगमन हो चुका है, अगर मेरी आवाज उन तक पहुंच रही हो आभासी माध्यम से जुड़ेगा जन अदड़ी प्रोफेसर अध्यक्ष शुक्ल सर। ये भारत में इस विषय में चर्चा अछूती थी। भाई जी ने गीता प्रेस के माध्यम से भारतीय संस्कृति की विशिष्टताओं को, भारत
भारतीय संस्कृति हो, सभ्यता की पूर्ण सभी कथाएं प्रासंगिक हैं और जिनकी स्वीकृति करते हुए भारत स्वचैतन्य और अभिष्ट राष्ट्र के रूप में तो दिखती है। हनुमान चालीसा था ये जो अनुपम दशा लगता था, ये हर घर तक पहुंचे, हर घर में इसका पाठ। चलिए फिर आगे पहुंच गए, क्या करेंगे, हम तो करेंगे ना। जी का और इस परंपरा का सहज आशीर्वाद प्राप्त है। आज योगी जी अपने व्यस्ततम कार्यक्रमों में से भी हमें समय देते हैं, इसके लिए हम अनुग्रहित हैं, उनके प्रति अपनी कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं। और गीता वाटिका भाव परिवार के सभी सदस्यों की तरफ से मैं उनका सादर स्वागत करता हूँ। वो हमारे अभिभावक हैं, हमारे संरक्षक हैं, अपने घर आए हैं, लेकिन घर आने पर भी बच्चे जैसे अपने पूजी का स्वागत करते हैं, मेरा वही भाव है, सादर प्रणाम। औपनिवेशिक सभ्यता दृष्टि के गहरे पाताल में कहीं दब गए होते अगर भाई जी ने गीता प्रेस और कल्याण के माध्यम से उनको दुनिया के हर कोने में नहीं सत्य भाई जी श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी की इस पावन जयंती कार्यक्रम में व्यासपीठ पर विराजमान सम्माननीय श्री विश्वनाथ भाई कश्यप जी महाराज, इस पूरे कार्यक्रम के रचनाकार हनुमान प्रसाद पोद्दार स्मारक समिति के मंत्री श्री उमेश कुमार सिंघानिया जी, संयुक्त मंत्री श्री रसेंद्र पोखला जी, अखिल भारतीय इतिहास संकलन योजना के राष्ट्रीय संगठन सचिव श्री पान मुकुंद जी, प्रोफेसर दिनेश कुमार जी, डॉक्टर ओम जी उपाध्याय, हनुमान प्रसाद पोद्दार स्मारक समिति के न्यासी श्री प्रबोध माता निहलिया जी, श्री विष्णु प्रजीत सरिया जी और स्मारक समिति के सभी अन्य न्यासीगण, श्रद्धालुजन, आज हम सब सरदेव भाई जी की 130वीं पावन जयंती के इस कार्यक्रम में यहाँ पर एकत्र हुए हैं। इतने वर्षों के बाद भी भाई जी दिवंगत हुए होंगे, आज से लगभग 50-51 वर्ष पहले, और इतने वर्षों के बाद भी भाई जी को उनकी पावन जयंती में हम स्मरण कर रहे हैं, उन्हें अपनी भावांजलि दे रहे हैं। इसके पीछे कोई ना कोई भाव तो जरूर होगा। अगर आज ही उसी श्रद्धा भाव के साथ जब अपने भौतिक देह से हम सबके सामने थे और उनका साक्षात सानिध्य प्राप्त होता था, उस समय भी जो श्रद्धा भाव प्रत्येक सनातन धर्मावलंबी का उनके प्रति था, वही आज भी बना हुआ है, तो कारण जरूर होगा। और उसका जो सबसे बड़ा कारण है वह था ये कि सदैव भाई जी ने कभी भी अब
अपने विचार और अपने आचार में, यानी अपने आचरण और अपने विचार में कहीं भी अलग अलग भाव नहीं होने दिया। ऐसा नहीं कि बोला कुछ और किया कुछ। एक सच्चा धार्मिक व्यक्ति वही होता है जो जो बोलता है उसके अनुरूप आचरण भी करता है, और वही विश्वसनीयता का आधार होता है। इतने वर्षों के बाद भी अगर हम सब उनका स्मरण कर रहे हैं तो इसलिए कि जिस श्रीमद् भगवत गीता के आदर्शों को लेकर के उन्होंने कल्याण के आदि संपादक के रूप में अपनी सेवा प्रारंभ की थी, उसमें जिस प्रकार के लेख लिखे, जिस प्रकार के आलेखों का संपादन किया, उसके अनुरूप उन्होंने जीवन स्वयं भी जिया। वास्तव में भाई जी का पूरा जीवन सनातन धर्म के लिए समर्पित था। हमें आश्चर्य होता है कभी कभी जब हम लोग देखते हैं कि हमारा धर्म तो इस बात की प्रेरणा कभी नहीं देता, लेकिन तब भी उस प्रकार का आचरण होता है और बड़े बड़े लोगों के द्वारा उस प्रकार की बातें की जाती है, हमें आश्चर्य होता है इन सब चीजों को लेकर। धर्म केवल पूजा पाठ नहीं है, धर्म केवल एक उपासना विधि नहीं है। रिलीजन एक उपासना विधि हो सकती है, लेकिन सनातन धर्म ने तो जितनी विराटता प्राप्त की और जितने मार्ग खोले हैं, अभ्युदय के लिए भी और निश्रेष्ठ के लिए भी, यानी इस लोक में हम सांसारिक उत्कर्ष के लिए कार्य करेंगे और जब इस लोक की यात्रा पूरी होगी तो मोक्ष की प्राप्ति हमें हमारे कर्मों के आधार पर स्वतः ही प्राप्त होगी। ये सनातन धर्म कहता है और यही जीवन जिया अपना भाई जी। अब याद करिए, कोई भी ऐसा राष्ट्रीय आंदोलन जो सनातन धर्म के अनुकूल हो, भारत के अनुकूल हो, मानवता के कल्याण के अनुकूल हो और जीव मात्र के कल्याण के अनुकूल हो, इन चारों में आप देखें जो भी इनके अनुकूल है उसमें भाई जी की प्रत्यक्ष भूमिका उन सभी आंदोलनों उन सभी अभियानों के साथ सदैव जुड़ी रही। उन्होंने गीता प्रेस को और कल्याण को अपनी सेवा का माध्यम बनाया, लेकिन आंदोलनों में भी आजादी के आंदोलन में भी सक्रिय रहे। उसके लिए उन्हें जेल भी जाना पड़ा। देश की आजादी के बाद देश को किस प्रकार से आगे बढ़ना चाहिए, उन आंदोलनों में भी उन अभियानों में भी सक्रिय भूमिका के साथ आगे बढ़े। स्वतंत्र भारत में भारत का स्वरूप किस रूप में होना चाहिए, क्या आजादी का मतलब क्यों राजनीतिक आजादी है, कि संपूर्ण आजादी के लिए जो अभियान चला है
चला था, क्या उसका मतलब संपूर्ण आजादी नहीं थी? क्या केवल राजनीतिक आजादी के लिए सत्ता का हस्तांतरण मात्र देश की आजादी के आंदोलन का उद्देश्य था? और उस समय गुलामी के चिन्हों को समाप्त करने के अभियान चले थे, भाई जी कभी उससे अपने आप को पीछे नहीं किए, हमेशा अग्रणी भूमिका में उन सभी अभियानों के साथ भी बढ़ चढ़ करके भाग लेते रहे। गोरक्षा का आंदोलन हो, राम जन्मभूमि आंदोलन हो, कृष्ण जन्मभूमि मुक्ति का अभियान रहा हो, या फिर अच्युतोद्धार के लिए किए जाने वाले किसी भी सार्थक प्रयास में योगदान देने का, मानव कल्याण के लिए हो या कहीं भी किसी आपदाग्रस्त मानव को, किसी भी नागरिक को बिना भेदभाव के योजनाओं का लाभ दिलाने का कार्यक्रम उन्होंने बढ़ चढ़ करके उसमें भाग लिया। कभी भी उससे अपने आप को पीछे नहीं किया। उन सभी अभियानों के साथ लगातार जुड़ते रहे, कार्य करते रहे। स्वतंत्र भारत में शिक्षण संस्थानों की स्थापना होनी चाहिए, अच्छे शिक्षण संस्थान होने चाहिए, भारत के अनुरूप शिक्षा मिलनी चाहिए, इसके लिए भी उन्होंने प्रयास किया। केवल गोरखपुर में नहीं, देश के अलग अलग क्षेत्रों में उनके द्वारा किए गए प्रयास उस बात के आज भी उन संस्थाओं के रूप में सदैव भाई जी का स्मरण हम सबको बरबस हम सबका ध्यान आकर्षित कर देता है। इसलिए आज के दिन पर धर्म का मतलब केवल पूजा पद्धति न होकर के हम इसको संपूर्णता के साथ जब लेंगे, और श्रीमद् भगवद गीता ने भी हमें हमेशा कहीं भी धर्म की परिभाषा को एक छोटे से मार्ग तक सीमित करके नहीं रखा है, उसको एक विराटता के साथ लेने का प्रयास किया है, सदैव कर्तव्य के प्रति आग्रही बनाया है हर एक व्यक्ति को। अगर हम अपने कर्तव्यों के प्रति ईमानदार नहीं है तो हमें धार्मिक कहलाने का कोई अधिकार नहीं है। मैं अगर अपने कर्तव्य का ईमानदारी पूर्वक निर्वाह नहीं कर रहा हूं और तब भी मैं अपने आप को सनातन हिंदू धर्मावलंबी कह रहा हूं, मुझे लगता है कि हम अपने धर्म के साथ न्याय नहीं कर पा रहे हैं। हम न्याय नहीं कर रहे हैं, ये हमारा राष्ट्रीय दायित्व भी है और सनातन धर्म के प्रति हमारा यह कृतज्ञता ज्ञापित करने का एक माध्यम भी कि हम अपने कर्तव्यों का निर्वहन करें। कर्तव्य के प्रति हम सबके द्वारा ईमानदारी से क्या क्या निर्वहन, वह हमें एक सच्चा सनातन धर्मावलंबी बनाता है। लेकिन जब भी हम उसे केवल पूजा पद्धति तक सीमित करते हैं तो हम उन्हें उन समुचित दायरों में कैद करके रखते हैं जो दुनिया के अंदर उन्हें किसी एक सेक्ट के रूप में, किसी एक मत और मजहब के रूप में उन छोटे से संकीर्ण दायरे में कैद करने का एक प्रयास होता है। सनातन धर्म बहुत विराट स्वरूप है, संपूर्ण मानवता के कल्याण का मार्ग प्रशस्त करने वाला, केवल मानवता ही नहीं जीव मात्र को जीने की प्रेरणा देने वाला एक ऐसी जीवन पद्धति है जिसमें सबको समाहित करने की क्षमता है, सबको अपने साथ जोड़ने की सामर्थ्य रखता है। हमने कभी नहीं कहा इस बात को कि मैं ही बड़ा, कभी नहीं कहा। सनातन हिंदू धर्म की शिक्षाएं तो बहुत विराट है, अयम निज परोवेति गणना लघु चेतसाम, यानी ये भाव है, ये मेरा है, ये तेरा है, ये जो भाव है, ये जो भाव है, ये समुचित बुद्धि के लोग करते हैं,
और दुनिया का जो द्वंद्व है इसी भाव के साथ हुआ है, इन्हीं से शुरू होता है। जहां पे द्वंद खड़ा होगा, जहां पे संकुचित भाव होगा, वहां द्वंद खड़ा होगा, क्योंकि फिर एक बोलेगा मैं बड़ा हूं, दूसरा कहेगा मैं बड़ा हूं। ये तो हर व्यक्ति जानता है कि दुनिया का सबसे प्राचीन ग्रंथ अगर कोई है तो ऋग्वेद है। यह हर व्यक्ति जानता है कि दुनिया के सबसे प्राचीन धार्मिक नगरी और सांस्कृतिक नगरी के रूप में किसी की पहचान है तो वह काशी की पहचान है। दुनिया के पहले राजा कोई हुए हैं वह मनु हुए हैं और वह अयोध्या के राजा थे, यह हर व्यक्ति जानता है। लेकिन उस सब के बावजूद हमसे प्रेरणा लेने वाले, सनातन धर्म से प्रेरणा लेने वाले प्राचीन मत और मजहब दुनिया के अंदर छा जाते हैं, हम लोगों की सीमाएं संकुचित होती भी दिखाई देती है। इसके पीछे कोई कारण तो होगा, और इसलिए जब हम सगरे भाई जी की इस पावन जयंती कार्यक्रम के साथ यहां पर जुड़े हुए हैं, हम सबको इस बात को ध्यान में रखना होगा कि सगरे भाई जी ने जैसा कहा वैसे आचरण भी किया, जो लिखा उसके अनुरूप उन्होंने आचरण किया, जिस प्रकार के आलेखों का उन्होंने संपादन किया उसके अनुरूप उन्होंने आचरण भी किया, और अन्य लोगों को भी उसके अनुरूप चलने के लिए प्रेरित किया। समाज जीवन से जुड़े हुए कोई भी पक्ष ऐसा नहीं था जिसमें देश हित हो, जिसमें धर्म का हित हो, जिसमें समाज का हित हो, जिसमें मानवता का हित हो, जिसमें प्राणी मात्र का हित छुपा हुआ हो, और उसकी आज की आवश्यकता है उसमें उन्होंने कहीं भी अपने आप को पीछे नहीं किया, कभी भी उससे पीछे नहीं हटे। बिना किसी भेदभाव के सबको उसके साथ जोड़ने का भी प्रयास उनका था। आज वही कारण है कि सत्य भाई जी को हम लोग आज उनकी 130वीं पावन जयंती के इस पावन कार्यक्रम के अवसर पर भी उसी श्रद्धा के साथ स्मरण कर रहे हैं। मैं आज के इस अवसर पर जब सभी भाई जी भौतिक देह से हम सब के बीच में नहीं है, लेकिन सनातन हिंदू धर्म तो हमेशा इस बात के लिए कहता है कि आत्मा कभी मरती नहीं है, तो अजर अमर है। इसकी हमेशा इस बात की हमेशा प्रेरणा देता है कि भौतिक देह भले बदलती हो, उस अजरता अमरता की प्रेरणा हमें देता है। तो हम सबको विश्वास है कि सभी भाई जी की जो प्रेरणा है सूक्ष्म देह से, आज भी वह हमें निरंतर आशीर्वाद दे रही है, एक नई प्रेरणा प्रदान कर रही है। हम सब सभा के सभी हैं, एक एक करके वे सभी कार्य होते हुए दिखाई दे रहे हैं। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि पर भगवान राम का भव्य मंदिर के निर्माण का कार्य, ये भारत के सांस्कृतिक यानी राजनीतिक आजादी के बाद भारत के सांस्कृतिक अभ्युदय का एक प्रारंभ है। काशी में काशी विश्वनाथ धाम का निर्माण, ब्रज क्षेत्र में जो विकास के कार्य वर्तमान में चल रहे हैं, जिस प्रकार से वो अपने एक नए स्वरूप में नए कलेवर के रूप में हम सबके सामने आया है, देश के अंदर भले ही अभी उसकी कीमत को हम समझने की कहीं भूल कर रहे हो, लेकिन जो एक व्यापक परिवर्तन होने जा रहा है वो होने जा रहा है प्राकृतिक खेती के माध्यम से भारतीय नस्ल के गोवंश को एक बार फिर से पुनर्जीवित करने का। वैश्विक मंच पर योग को मिली मान्यता और कुंभ जैसे दुनिया के सबसे बड़े आध्यात्मिक और सांस्कृतिक आयोजन को यूनेस्को की विश्व यानी मानवता की मूर्त सांस्कृतिक धरोहर के रूप में मान्यता प्राप्त होना, ये सब उसी श्रृंखला का हिस्सा है।
इस सदी की सबसे बड़ी महामारी के दौरान आयुर्वेद को वैश्विक मान्यता मिलना ये भारत की परंपरा और भारत के द्वारा दी गई ट्रेडिशनल मेडिसिन की परंपरा को दुनिया के वैश्विक मंच। उन्होंने मुझे फोन किया एक दिन कि मैं आपसे जरूरी बात से मिलना चाहता हूं। मैंने कहा क्या है विशेष? उन्होंने कहा कि मेरा ग्रैंडसन आया है यूएस से, आपसे मिलना चाहता है। तो मैंने उनको समय दिया, मैंने कहा ठीक है समय आ जाना। वे आए तो मैंने कहा बताइए कोई विशेष बात है? उन्होंने कहा नहीं, मेरा ग्रैंडसन आपसे कुछ पूछना चाहता है। तो मैंने कहा क्या करते हो? उसने कहा मैं वहाँ सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ और वहाँ कार्य करता। मैंने कहा फिर आपका यहाँ से क्या मतलब, कोई विशेष जिज्ञासा यहाँ से? उसने कहा कि मैं एक बात जानना चाहता हूँ, कहा कि मैं एक बार न्यू जर्सी में जा रहा था, अपने कार से मैं जा रहा था, एक लाइन लगी हुई थी, एक इंडियन रेस्टोरेंट था वहां पे एक लाइन लगी हुई थी। मैंने कहा किस तो कहा कि मैंने मेरी भी जिज्ञासा हुई कि ये भारतीय रेस्टोरेंट है, इसके बाहर इतनी लंबी लाइन क्यों लगी हुई है? तो सभी लोग थे उसमें, भारतीय मूल के लोग भी थे, अंग्रेज भी थे, सभी लोग उसमें लाइन में लगे हुए थे। मैंने कहा तो मेरी भी जिज्ञासा हुई क्या है मामला। तो मैं गया देखा कि वहां इतने छोटे छोटे गिलास पे लोगों को एक पीला पी पिलाया जा रहा है, लोग ले रहे थे उसको $5 दे रहे। तो मैंने लोगों से पूछा कि क्या है, तो लोगों ने कहा ये हल्दी का पानी है। तो कहा हल्दी का पानी को $5 में लोग पी रहे थे, मुश्किल से दो दो तीन तीन चम्मच रहा होगा। तो मैंने कहा भी तो कहा मैंने भी लिया, मैंने भी पिया, उसका स्वाद तो था नहीं लेकिन और भी पी रहे थे तो मैंने भी पी लिया। तो मैंने पूछा लोगों से कि इससे क्या होता, लोगों ने कहा इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए बहुत अच्छा अच्छा हो गया। तो मैंने कहा कि आपने अपने घर में भोजन कभी पाया है कि और फास्ट फूड खाया है? कहा नहीं घर में भी भोजन बनता है। मैंने कहा आपकी माँ ने आपकी दादी ने कभी भोजन बनाया? तो ठीक है आपकी दादी आपकी जो ग्रैंडफादर है वह बहुत वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी है लेकिन घर में भोजन तो बनता रहा होगा, कोई भारत का कोई परिवार ऐसा नहीं जिसके घर में भोजन ना बनता, वो कितना भी बड़ा क्यों ना हो हर व्यक्ति अपने घर में बनाता है। कहाँ? मैंने कहा कभी रसोई में गए? मैंने कहा भारत के अंदर कोई रसोई ऐसी नहीं जिसमें दाल हो सब्जी हो या किसी भी अन्य उसमें हल्दी ना पड़ती हो। और आज से नहीं हजारों वर्षों से परंपरा चली आ रही है, कोरोना थोड़े हल्दी लेके आए हमारे रसोई का में हम हल्दी का उपयोग तो न जाने हल्दी अदरक अदरक सामान्य रूप से आप मुंह में डालेंगे तो मुंह जलाएगा जलन होगी लेकिन उसकी कीमत आयुर्वेद के माध्यम से हमारे पूर्वजों ने समझी। हल्दी की कीमत अगर आप देंगे तीखा स्वाद आएगा, अगर वैसे हल्दी पिएंगे तीखा स्वाद आएगा। और अमेरिका ने कोरोना में उसकी कीमत को समझा और वो छोटे छोटे गिलास में लेकर के वो हल्दी का पानी पिए जा रहे हैं। कोरोना में आपने एक और चीज देखा होगा, लोग भारत की स्वास्थ्य सेवाओं पे बहुत उंगली उठाते हैं। बहुत सारे लोग हैं जिनको अपनी बातों पर अपनी पद्धति पर अपनी संस्कृति पर गौरव की अनुभूति नहीं होती, वे टिप्पणी बहुत अक्सर करते हैं। और जो अक्सर एक कहावत होती है ना कि नया मुल्ला ज्यादा प्यास खाता है, उस प्रकार के लोग कुछ ज्यादा ही इस मामले में देखने को मिलते हैं। इस सदी की सबसे बड़ी महामारी में आपने देखा होगा, इस सदी की सबसे बड़ी महामारी में भारत की आबादी है, यद्यपि ये तुलना अच्छी नहीं होगी, एक मौत भी दुखद है, लेकिन इस सदी की सबसे बड़ी महामारी के दौरान आपने इस बात को देखा होगा, ये
तुलनात्मक अध्ययन इस बात को लेकर के जो दुनिया की आंखों को खोल सके। उन तथाकथित बुद्धिजीवियों सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल की आंखों को खोल सके जो भारत की परंपरा और भारत की जीवन मूल्यों पर हमेशा उंगली उठाते हैं। भारत के अंदर भारत की आबादी है 135 करोड़, अमेरिका की आबादी है 35 करोड़, भारत की 1/4। लेकिन कोरोना में अमेरिका के अंदर भारत से 1.5 गुनी मौतें हुई। ऐसा नहीं कि अमेरिका के अंदर भारत से अच्छी स्वास्थ्य की सुविधा, भारत से कई ज्यादा गुना अच्छी स्वास्थ्य की सुविधाएं हैं, लेकिन प्रबंधन में भारत का बेहतरीन रहा। भारत ने प्रधानमंत्री मोदी और कोरोना प्रबंधन और नेतृत्व की क्षमता थी ही भारत के पारिवारिक जीवन में घर के अंदर भोजन बनाने की जो कार्रवाई शुरू की, पहले से हम घर के अंदर ही भोजन पाते हैं, साबित हो गया फास्ट फूड हमेशा खतरनाक होगा। हम घर में खिचड़ी खाएं वो आपको स्वास्थ्यवर्धक बनाएगी, स्वस्थ रखेगी, लेकिन बाजार की कोई भी चीज ज्यादा समय तक खाएंगे तो वह आपकी इम्यूनिटी को कमजोर करेगी, पाचन तंत्र को कमजोर करेगा, व्यक्ति को कमजोर करेगा, व्यक्ति को एक समय के बाद बीमार कर देगा। घर में सब्जी रोटी खाइए, घर में रोटी नमक खाइए, घर में दाल रोटी खा लीजिए, दाल चावल खा लीजिए, वो आपके लिए स्वास्थ्यवर्धक होगा। लेकिन फास्ट फूड खाने वाले और रात को बना करके या सुबह बना करके अगले दिन फ्रिज में रख करके खाने वाले लोगों की क्या दुर्गति हुई, कोरोना ने इसका भी उदाहरण हम सबके सामने प्रस्तुत किया। और इसलिए मैं आप सबसे कहना चाहूंगा कि हमें अपनी परंपरा, अपने संस्कृति पर गौरव की अनुभूति करनी चाहिए। हमारे ऋषि मुनियों ने जो कुछ भी दिया है ये बड़े शोध के साथ दिया है। 21 जून के दिन दुनिया के 150 से ज्यादा देश योग के साथ जुड़ते हैं। चीन जैसा देश भी जुड़ता है, योग के साथ जुड़ता है। वो ईश्वर को नहीं मानता लेकिन योग को मानता है, क्योंकि उसे मालूम है योग की पद्धति उसे निरोग करेगी और उसके साथ जुड़ रहा है। जब भी हम अपनी परंपरागत पद्धति को अपना करके आगे बढ़ेंगे, स्वस्थ रहेंगे, लोग रहेंगे, आज उस दिशा में प्रयास किए जाने की आवश्यकता है। घर घर में पहले बैठ हुआ करते बूढ़ी नानी, बूढ़ी दादी, बाबा, ये सब इनके पास अपने अपने नुस्खे हो दुआ करते, हर एक चीज को बताते। हमने उसको समय के अनुरूप मॉडर्न बनने के उसमें सबको विस्मृत कर दिया, उसको कहीं लिपिबद्ध नहीं किया, डॉक्यूमेंटेशन नहीं किया। ऐसे नहीं थे भारत के ऋषि, वे जानते थे एक समय ऐसा भी आएगा जब लोगों की पद्धति समाप्त हो गई। इसीलिए आज से महाभारत युद्ध के बाद जब पराभव का काल आया तो लोगों ने एक भारत के ऋषि मुनियों ने इसीलिए देवी सारणे में एक बड़ी गोष्ठी की। 88,000 ऋषि एकजुट हुए। उन्होंने कहा कि देखो आने वाले समय कठिन है, कम से कम जब कभी जो पीढ़ी अपनी परंपरा और अपनी संस्कृति पर गौरव कर पाएगी उसके लिए हम आज के ज्ञान को धरोहर के रूप में लिपिबद्ध करके छोड़ दें। आप सोचिए हमें कृतज्ञता ज्ञापित करनी चाहिए उन ऋषि मुनियों की जिन्होंने सबको लिपिबद्ध किया। 3 वर्ष से अधिक समय तक ये कार्य देवी सारण में चलता रहा। 88,000 ऋषि मुनि एक साथ जुटे थे देवी सारण में और फिर यह कार्य चलता रहा।
आप सोचिए ना, 3 वर्ष तक लगातार कार्य हुआ, 88,000 ऋषि मुनि उसमें लिपिबद्ध करते रहे, तब आपके पास वैदिक ज्ञान आज धरोहर के रूप में आपको प्राप्त हो पा रहा है। यद्यपि मध्यकाल में इस ज्ञान को आक्रांताओं ने काफी हद तक नष्ट करने का प्रयास किया, काफी हद तक, लेकिन फिर भी जो कुछ हमारे पास है इसको संरक्षित करिए। और सभी भाई जी ने उस ज्ञान को संरक्षित कर उसके प्रचार प्रसार में अपना पूरा जीवन होम किया, पूरा जीवन उसी धरोहर के संरक्षण के लिए उन्होंने आजादी के बाद, आजादी के दौरान प्रत्यक्ष उस लड़ाई में भागीदार बनते हुए भारत के सांस्कृतिक आंदोलन को, जो भारत को भारत की पहचान दिला सके, उसी के लिए समर्पित किया था। आज उनके 130वीं पावन जयंती के अवसर पर मैं उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए आज यहाँ पर आया हूँ। मैं इस अवसर पर सदैव भाई जी को वर्कस्पीड की ओर से, उत्तर प्रदेश शासन की ओर से भी, उत्तर प्रदेश के सभी नागरिकों की ओर से विनम्र भावांजलि देता हूँ, उनके चरणों में नमन करता हूँ और यही प्रार्थना करता हूँ कि उनका आशीर्वाद निरंतर प्रत्येक उस भारतवासी को प्राप्त हो जो भारत और भारतीय संस्कृति पर गौरव की अनुभूति करता है और उसके बारे में कुछ करना चाहता है। आप सबके प्रति मेरी मंगलमय शुभकामनाएं, धन्यवाद। जी, गीता भट्टी का परिसर के प्रति आपका जिस तरह का भाव है उसके प्रति हम सभी कृतज्ञ हैं। ज्ञापन के लिए हनुमान प्रसाद पोद्दार जी। ओम हरि नाथ सिनेन्द्र विदंतवा सतिना मूखा विश्ववेदा सतिन तार शो अरिशनेमी सतिनो बृहस्पतिर्दधातु वृषादस्वामरुतः वृष्णिमातरः शुभं जावानो विदर्ते कुजगमयः अग्निर्जिह्वा मनवः सूरचक्षसो विषे Thank you.
जी उपाध्याय, हम लोग भाई जी हनुमान प्रसाद पोद्दार की 130वीं जयंती का कार्यक्रम था, उसका श्रद्धार्चन कार्यक्रम था। हर वर्ष आश्विन कृष्ण द्वादशी को हम ये कार्यक्रम अपनी पूरी निष्ठा के साथ मनाते हैं। वास्तव में भाई जी का जो योगदान है भारत के लिए, वो उसको रेखांकित कर पाना एक बड़ा कठिन कार्य है, क्योंकि जिस समय देश दासता की बेड़ियों में था, परतंत्र था, उस समय पूरी जो सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की धारा थी, जो ये मानती थी कि हम केवल राजनीतिक सत्ता के हस्तांतरण की लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं, हम अपने स्व की पुनर्स्थापना की लड़ाई लड़ रहे हैं, हम अपने अपने धर्म को पुनर्स्थापित करने के, हम अपनी संस्कृति को पुनर्स्थापित करने की लड़ाई लड़ रहे हैं, भाई जी उसके महानायक के रूप में उभरते हैं। क्योंकि जो हमारे आर्स ग्रंथ थे, जो कहीं दब गए थे और शायद औपनिवेशिक सभ्यता दृष्टि में कहीं वो गहरे पाताल में दब जाते, अगर भाई जी ने गीता प्रेस और कल्याण के माध्यम से उनको फिर से प्रकाशित करके दुनिया के हर हिंदू के घर घर तक ना पहुंचाया होता। ये इतना बड़ा योगदान है, क्योंकि भारत इसी के बल पर, इसी के दम पर विश्वगुरु था। भाई जी ने उसको फिर से उस दासता के समय, जब हम अंग्रेजी परतंत्रता में थे, फिर से उभारने का काम किया। एक बात मैं और बताऊं भाई जी के विषय में, कि जब पहली बार वो गीता का प्रकाशन कर रहे थे कलकत्ता में रहते हुए, एकदम युवा थे उस समय, उस गीता को क्रांतिकारियों के बीच बांटना था। जब उसके मुख्य पृष्ठ की बात आती है, भाई जी और बाबूराव विष्णुराव पराड़कर जी मिलकर उसको कर रहे थे, जब उसको बात आती है उसके मुख्य पृष्ठ की, तो उस पर भगवान श्री कृष्ण का चित्र नहीं लगाया जाता, उस पर महाभारत या किसी धर्म कथा का कोई चित्र नहीं लगाया जाता, उस पर चित्र लगाया जाता है खड्गधारिणी भारत माता का, तलवार लिए हुए भारत माता का। भारत और भारत माता और धर्म को उन्होंने एक प्राण कर दिया, एक में मिला दिया। उन्होंने इस देश की सच्ची सेवा की। शायद वो इकलौते ऐसे महामानव हैं, महापुरुष हैं आधुनिक भारत के, जिनको अंग्रेजी सत्ता के समय सर और राय बहादुर की उपाधि, और देश के स्वतंत्रता के बाद उनको लेजिस्लेटिव असेंबली की सदस्यता का आग्रह, उनको भारत रत्न देने का आग्रह, उन्होंने सब ठुकराया। उन्होंने इस देश की जिस तरह की सेवा की, आज उनके देहावसान के 51 वर्ष बाद भी हम पूरी श्रद्धा और निष्ठा के साथ उस अलख को जगाए हुए हैं। आज उनकी 130वीं जयंती का कार्यक्रम मनाया गया, जिसमें पूज्य महाराज जी योगी आदित्यनाथ जी महाराज अध्यक्षता कर रहे थे। पाथेय देने के लिए पूज्य कथाव्यास काश्यप जी थे, इसके अलावा डॉक्टर बालमुकुंद पांडे जी और प्रोफेसर हरीश शर्मा जी उपस्थित थे, और आभासी माध्यम से महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर रजनीश कुमार शुक्ल थे। मैं दिल्ली से भारतीय इतिहास अनुसंधान परिषद का निदेशक ओम जी उपाध्याय मैं यहाँ उपस्थित रहा जी। अब वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक पे जाने से पहले एक नज़र सुर्खियों पर।
गोरखपुर न्यूज के सह प्रायोजक है मटकू मंगलम टावर बोलघर गोरखपुर। दो दिवसीय दौरे पर अपने गृह जनपद गोरखपुर पहुंचे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ विभिन्न कार्यक्रम में लिया भाग। गोरखनाथ मंदिर में करेंगे रात्रि विश्राम। शुक्रवार को प्रातः 9:30 बजे से सरयू नदी के बाढ़ प्रभावित जनपदों गोरखपुर, संत कबीर नगर, बस्ती, अयोध्या, गोंडा एवं बाराबंकी का करेंगे हवाई सर्वेक्षण। गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए जिलाधिकारी कृष्णा करुणेश ने बुधवार को इस्लामिया कॉलेज ऑफ नर्सिंग की छत गिरने से हुई घटना पर कहा कि घटना में 2 व्यक्तियों को किया गया रेस्क्यू, एक की मौके पर हो गई मौत, दूसरे का हॉस्पिटल में चल रहा है इलाज। जांच के लिए सिटी मजिस्ट्रेट के नेतृत्व में टीम किया गया है गठित, रिपोर्ट आने के बाद की जाएगी कार्यवाही। विश्व प्रसिद्ध धार्मिक पत्रिका कल्याण के आदि संपादक हनुमान प्रसाद पोद्दार भाई जी की 130वीं जयंती पर सीएम योगी ने दी उन्हें शब्दांजलि। कहा, विचार एवं आचरण में संभाव रखने वाला ही सच्चा धार्मिक सनातन धर्म संस्कृति के प्रति समर्पित रहा है भाई जी का जीवन। छह वर्ष के बच्चे का अपहरण कर फिरौती मांगने के आरोप में अभियुक्त अनिल को बेलघाट थाने की पुलिस ने किया गिरफ्तार। अपहृत बच्चे व मोबाइल को किया बरामद, एसपी साउथ ने किया खुलासा। जीडीए के नवागत उपाध्यक्ष महेंद्र सिंह तंवर ने कार्यभार किया ग्रहण। कहा, चल रहे विकास कार्यों को समय से पूरा करवाना ही होगा उनकी पहली प्राथमिकता। गौड़ व गौड़ जातियों के उप जातियों की समस्याओं को दूर करने के लिए मंडलायुक्त रवि कुमार एनजी ने की बैठक। समस्याओं के समाधान के लिए संबंधित अधिकारी को दिया आवश्यक दिशा निर्देश। बदलते मौसम में बड़े विभिन्न प्रकार के संक्रामक रोगों के रोगियों की संख्या। सीएमओ डॉक्टर आशुतोष कुमार दुबे ने कहा, छोटी छोटी सावधानियों से निश्चित रूप से बच सकते हैं विभिन्न प्रकार के संक्रामक रोगों से। 7 से 31 अक्टूबर तक चलाया जाएगा दस्तक अभियान। और सेवा पखवाड़ा के अंतर्गत जल संरक्षण व जल संचय के प्रति जागरूकता अभियान के तहत भाजपा के पिछड़ा वर्ग मोर्चा के प्रदेश उपाध्यक्ष चिरंजीव चौरसिया की अध्यक्षता में जल ही जीवन विषय पर गोष्ठी का किया गया आयोजन। सभी ने जल संरक्षण का लिया संकल्प। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बेलघाट थाने की पुलिस ने बच्चे को अपहरण कर फिरौती मांगने के आरोप में एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया है, जिसके संबंध में एसपी साउथ अरुण कुमार सिंह ने बताया कि मुखबिर की सूचना पर एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है, जिसकी पहचान अनिल पुत्र राम सिंगारे निवासी ग्राम टेकुआनाथ थाना बेलघाट जनपद गोरखपुर के रूप में हुई है, जिसके पास से अपहृत बालक नीलेश व चोरी का मोबाइल बरामद किया गया है। एसपी साउथ ने बताया कि अभियुक्त अनिल द्वारा दिनांक 20 सितंबर को दिन में वादनी मुकदमा के घर से उसके मोबाइल चुरा कर तथा रात्रि में सोते समय उसके 6 वर्षीय अबोध बालक को घर से उठा ले गया तथा कुछ देर बाद चोरी किए गए वादनी के मोबाइल से बालक के परिजनों के मोबाइल पर फोन कर 20,000 रुपए की फिरौती की मांग किया तथा ना मिलने पर बालक की हत्या करने की धमकी दिया, जिसकी सूचना पर थाने में मुकदमा पंजीकृत किया गया तथा बालक को सकुशल बरामद कर उसकी मां को सुपुर्द किया गया तथा अभियुक्त को जेल भेज दिया गया। गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम में बेलघाट थाना प्रभारी गौरव राय कन्नौजिया, उप निरीक्षक सुधीर कुमार, अमरीश कुमार सिंह, कांस्टेबल मुकेश मौर्य, धीरेन्द्र कुमार यादव, विकास कुमार शामिल रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसपी साउथ कुमार सिंह ने कहा, बीस बटे 21 की रात की एक घटना है थाना बेलघाट जनपद गोरखपुर के गांव बलुआ भवानी बक्सिंग की। वहाँ श्रीमती आशा देवी नाम की एक महिला का बच्चा रात में गायब हो जाता है। पूरा घटनाक्रम इस तरह का है कि अनिल नाम का एक व्यक्ति
इनके यहाँ पिछले 20-25 दिन से नौकर के रूप में काम कर रहा था, घर के काम में हाथ बटा रहा था। 20 तारीख को दिन में इनका मोबाइल गायब हो जाता है और अनिल भी घर पे वापस नहीं आता है। लेकिन रात में ही जब ये सोई थी उसी समय इनका 5 वर्षीय बच्चा गायब हो जाता है। 2-2.5 बजे के आसपास इनकी नींद खुलती है, बच्चा नहीं मिलता है। फिर ये परेशान होती हैं और अचानक इनका जो गायब मोबाइल था उसी फ़ोन से इनके देवरानी के फ़ोन पर फ़ोन आता है कि अगर बच्चा चाहिए तो बता दो कि 20,000 रुपया दे जाएं। इन्होंने तत्काल पुलिस को सूचना दिया। रात में ही थाना प्रभारी बेलघाट और चौकी इंचार्ज कुरी बाजार ने इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस के माध्यम से घेराबंदी करने का प्रयास किया और उसमें फिर ये कहीं भाग नहीं पाया। कल इनकी तहरीर पर मुकदमा लिखा गया और बच्चे की भी सकुशल बरामदगी हो गई, अभियुक्त पकड़ लिया गया है, जिसे बात पूछताछ माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है। इस आरोपी का आपराधिक इतिहास खंगालने पर इसके विरुद्ध पूर्व में 2 मुकदमे पंजीकृत पाए गए हैं, एक चोरी का है और एक चोरी के उपकरण के साथ पकड़े जाने का। सर क्या कारण था ये चुराया था बच्चा? ये जो व्यक्ति है ये कुछ लगता है कि नशे का भी सेवन करता है और ऐसा प्रतीत होता है कि 20 दिन उनके घर रहने के बाद इसे लगा होगा, महिला का पति बंबई में रहता है, हालांकि ये भी हैंड टू माउथ है, लेकिन लगा होगा कि अगर इस तरह से हम दबाव बनाएं तो हमें पैसे मिल सकते हैं। दूसरा इसके दिमाग में था कि आदमी तब पकड़ा जाता है जब अपने मोबाइल का प्रयोग करता है। इसी नाते पहले इसने षड्यंत्र पूर्वक महिला का मोबाइल चुराया दिन में और फिर रात में बच्चा सोते समय उठा ले गया था। इसी नाते ऐसा लगता है कि बच्चा भी परिचित होने के नाते रात में आराम से चला गया, अन्यथा बच्चा भी रोने चिल्लाने की बात करता तो परिवार वालों को पता चल जाता। ये बच्चा बरामद हुआ है, रात में ले गया है और दिन में ही कल बरामद हुआ है, तो 24 घंटे तो नहीं लेकिन 10-12 घंटे तो संत कबीर नगर तक जो हमारा बॉर्डर लगता है तो घाघरा के किनारे बच्चे को लेकर के बगीचे से वहाँ से यहाँ घुमाता रहा, वहीं से पकड़ा भी गया। जीडीए के नवागत उपाध्यक्ष महेंद्र सिंह तंवर ने कार्यभार ग्रहण किया, जिसके संबंध में नवागत जीडीए उपाध्यक्ष महेंद्र सिंह तंवर ने बताया कि सबसे पहले मेरी पोस्टिंग एसडीएम एटा, सीडीओ शाहजहांपुर, नगर आयुक्त गाजियाबाद के रूप में अपनी सेवा दे चुका हूं। अब मैंने जीडीए उपाध्यक्ष के रूप में कार्यभार ग्रहण किया है और गोरखपुर मुख्यमंत्री का शहर है और जीडीए की जो योजना है उसको समय से पूरा करवाया जाएगा। मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि गोरखपुर के लोगों की अपेक्षाओं को पूरा किया जा सके। उन्होंने बताया कि गोरखपुर धीरे धीरे पर्यटन के रूप में विकसित हुआ है, मेरा प्रयास रहेगा कि आगे भी पर्यटन को बढ़ावा देने का काम जारी रहे जिससे गोरखपुर एक नई ऊंचाइयों को छू सके। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए जीडीए उपाध्यक्ष महेंद्र सिंह तंवर ने कहा, वो व्हाट्सएप वगैरह इंस्टॉल कर रहे हैं पहले क्योंकि मैं सीजीडीए के रूप में मैंने ज्वाइन किया। इससे पहले मैं नगर आयुक्त गाजियाबाद था और उससे पहले मैं सीडीओ शाहजहांपुर, एसडीएम एटा और बहराइच में मेरी ट्रेनिंग हुई है। सर मुख्यमंत्री का कहा है और काफ़ी यहाँ पे प्रोजेक्ट चल रहे हैं, मुख्यमंत्री बढ़ाया जाएगा? नहीं बिल्कुल, मैंने मुख्यमंत्री जी की जो अपेक्षाएँ हैं और जो जीडीए के जो प्रोजेक्ट चल रहे हैं उन सबको हम लोग गुणवत्तापूर्वक सारे कार्यों को पूरा करने के साथ साथ में जो गोरखपुर निवासी हैं उनकी अपेक्षाओं पर खरा उतरने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए शहर जो है वो काफ़ी खूबसूरत शहर है और मुझे लगता है कि पर्यटन को भी काफ़ी बढ़ावा मिला है पिछले कुछ वर्षों में, आगे भी इसको और हम लोग नेक्स्ट लेवल पर कैसे लेके जा सकते हैं इसके ऊपर काम करेंगे। मंडलायुक्त रवि कुमार एनजी ने आयुक्त सभागार में गौड़ व गौंड के उपजातियों की समस्याओं को दूर करने के लिए अधिकारियों के साथ बैठक की। इस अवसर पर मंडलायुक्त रवि कुमार एनजी ने कहा कि अनुसूचित जाति जनजाति के बने प्रमाण पत्रों के मिले आपत्तियों के निस्तारण हेतु अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति जिला कल्याण समिति को गठित किया गया है। उन्होंने कहा कि शासन द्वारा निर्देश दिया गया है कि प्रमाण पत्रों की जाँच कराने के बाद आए हुए प्रमाण पत्र को बनाया जाए, जिन मामलों के संबंध में आपत्तियां प्राप्त हुए हैं उनकी
जांच करने के बाद ही सही तरीके से निस्तारित करने का कार्य किया जाए। इस अवसर पर अपर आयुक्त न्यायिक अधिकारी राम आश्रय सहित अन्य लोग मौजूद रहे। तो इसका निराकरण माननीय विद्यालय से हो चुका है, स्कूटनी कमेटी से विश्वास मंदिर का हवाला किया और तथ्यों की फैक्चुअल इंक्वायरी की और हाईकोर्ट का एक ऑर्डर इसमें सम्मिलित है सर कि गोनर और वोट वो डिफरेंट कास्ट के हैं कि सेम कास्ट के इसकी फैक्चुअल इंक्वायरी कर रहे हैं। तो फैक्चुअल इंक्वायरी से सर 1989 में यह साबित हो गया कि नहीं ये विद्यार्थी है और उसी के आधार पर शिकायत की और आपका तो जांच नहीं हुई है, आपका क्या पॉइंट है? हमने मान शिकायत किया तो शिकायत पर तस्वीर से कोई जांच नहीं, ठीक है। प्रधान और गांव के सदस्यों का बयान के आधार पर ही हमारी दरखास्त को निरस्त कर दिया गया, जबकि उसके आधार पर गांव में पार्टीबंदी है, कोई कहाँ कहेगा, कोई वो कहेगा, सारी चीज कहेगी, तो उस आधार पर श्रीमान हमारी दरखास्त को निरस्त नहीं किया जा सकता। उसमें कहें विक्रेता और विक्रेता दोनों अनुसूचित जात के नहीं, बदनामी में तो आप कह रहे हैं कि विक्रेता और विक्रेता अनुसूचित जात के नहीं और प्रमाण पत्र बनवाने के लिए कह रहे हैं कि हम कहना कि कोई जांच नहीं है सर। आदेश पत्र में ही सर लिखा हुआ है तहसीलदार की आख्या दिनांक 11/9/19 तथा आख्या 10/9/19 द्वारा रिपोर्ट कर चुके कि राजकुमार कुछ कमला की जान ही जानता हूँ के संबंध में स्थलीय जांच किया गया सर। लीगल बॉडी है सर, उसके मेंबर भी हैं सर और इन्होंने खुद जो रिकॉर्ड दिया सर शिकायत तैयार बड़ी अपील करता जी बताइए। सुबह जगदीश गोण के इनका जो है प्रमाण पत्र जाँच करने के बाद जो है निरस्त कर दिया, उसके बाद उसकी अपील हुई, अपील होने के बाद केस रही जो श्रीमान का जो आदेश हुआ 19/11/2018 को उस आदेश में जो निर्देश पारित किया गया था उस निर्देश का पालन नहीं किया और जो भी रिपोर्ट के आधार पर इसमें दोबारा जो है श्रीमान आदेश पारित कर दिया गया और इसमें हमको सुनवाई का अवसर भी नहीं दिया गया, न कोई नोटिस दिया गया, तो हमको बिना सुने आदेश पारित। जनपद में संचारी रोगों के बढ़ते हुए प्रभाव पर सीएमओ डॉक्टर आशुतोष कुमार दुबे ने बताया कि इस बदलते मौसम में मच्छर जनित बीमारी होने की ज्यादा संभावना रहती है, जिसमें मलेरिया, फाइलेरिया और डेंगू प्रमुख रूप से होते हैं। उन्होंने बताया कि 7 मरीज जेई और 45 मरीज एईएस के निकले हैं, जिसमें मृत्यु किसी की नहीं हुई तथा डेंगू के 11 मरीज, मलेरिया का 1 मरीज तथा फाइलेरिया के 38 मरीज संसूचित किए गए हैं। किसी को किसी प्रकार की परेशानी नहीं है। उन्होंने जनपदवासियों से आग्रह करते हुए कहा कि घर में कहीं पर भी पानी जमा न होने दें, जैसे छत पर रखे कबाड़, बर्तन, टायर, पौधे के गमले में पानी इकट्ठा होता है, जिससे मच्छर पनपने लगते हैं, जिससे मलेरिया बीमारी होने की संभावना बन जाती है तथा सोते समय मच्छरदानी का प्रयोग करें तथा छोटे बच्चों को फुल आस्तीन का कपड़ा अवश्य पहनाएं, शरीर के खुले हुए भाग पर मच्छर रोधी क्रीम लगाएं। उन्होंने कहा कि छोटी छोटी सावधानियों को ध्यान में रखते हैं तो निश्चित रूप से विभिन्न प्रकार के संक्रामक रोगों से बच सकते हैं। उन्होंने कहा कि 1 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक संक्रामक रोग अभियान चलाया जाएगा और 7 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक दस्तक अभियान चलाया जाएगा, जिसमें आशाएं आंगनबाड़ी घर घर जाकर स्वास्थ्य के बारे में बताएंगे और संक्रामक रोग से बचने का उपाय देंगे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए सीएमओ डॉक्टर आशुतोष कुमार दुबे ने कहा, देखें जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि बारिश लगभग समाप्त होने के कगार पर है, शुरुआत में बारिश ना होने के कारण और अंतिम अवसर पर बारिश होने के कारण जगह जगह जल भराव हो गया है, खास करके जो छोटे मोटे तालाब थे, जो गड्ढे हैं या जो सड़क के किनारे पड़े हुए प्लास्टिक के वेस्ट हैं उनमें पानी एकत्र हो गया है, उनमें होने की वजह से जो है मच्छरों की प्रजनन दर बढ़ गई है और वहाँ पर उनके लार्वे पाए जा रहे हैं। इस कारण हम लोगों को काफ़ी सजग और सतर्क रहने की आवश्यकता है। इसके साथ ही साथ हमें अपने छतों पर जो कबाड़ रखे हुए हैं, टायर, ट्यूब, टूटे फूटे बर्तन या जो हमारे पानी की टंकी है, अगर उनका ढक्कन खुला है या उनका ड्रेनेज ठीक नहीं है तो उन स्थानों पर भी मच्छर पड़े, तो इस मौसम में मच्छर जनित बीमारी होने के ज़्यादा प्रबल संभावना होती है।
उसमें मलेरिया, फाइलेरिया और डेंगू प्रमुख रूप से होती है, JEAS होती है। लेकिन सौभाग्य की बात है कि JEAS पर हम लोगों ने पूरी तरह से नियंत्रण कर लिया है। अभी 7 मरीज हमारे पास JEE के ही निकले हैं और 45 मरीज हमारे टोटल JEAS के निकले हैं, मृत्यु किसी की नहीं हुई है। इसी प्रकार डेंगू के हमारे पास 11 मरीज निकले हैं, सभी मरीज स्वस्थ हैं, ठीक हैं। मलेरिया में भी काफ़ी सकारात्मक सुधार हुआ है, इस वर्ष केवल एक मरीज मलेरिया का सूचित किया गया है। फाइलेरिया के हमारे पास कुल 38 मरीज संसूचित किए गए हैं, उसमें भी किसी प्रकार की कोई विकलांगता नहीं है। आपके चैनल के माध्यम से मैं आम जनों से ये गोरखपुर के लोगों से अनुरोध करना चाहेंगे कि अपने घर के चारों तरफ यह सुनिश्चित कर लें कि पानी का जल जमाव कहीं ना हो। अपने घरों की छतों पर जो कबाड़ रखे हुए हैं उनको उलट कर रख दें या उनको छाए में रख दें। पानी के जो बर्तन जिनमें पानी यूज नहीं होता, अगर उसमें पानी है तो उनकी सफाई करके उनको खाली करके रख दें। मनी प्लांट के पॉट जो हैं वो हर हफ्ते में उनको साफ करें, उनका पानी हटा दें। अगर पुराने ज़माने के फ्रीज हैं तो उनकी पीछे की ट्रे निकाल दीजिए, उनको साफ़ कीजिए। अगर अभी भी कूलर का प्रयोग कर रहे हैं तो उसका पानी प्रत्येक सप्ताह में बदल दीजिए और उनको रगड़ रगड़ के माँझ के धोया करिए। प्रयास कीजिए कि मच्छरदानी के अंदर ही सोएं। बच्चों को स्कूल जब भेजें तो पूरी बांह के कपड़े पहना के भेजिए, शरीर के जो खुले भाग हैं उस पर मच्छर रोधी क्रीम लगाएं। दिन में आप जिस कमरे में रहते हैं अगर उस कमरे में अंधेरा रहता हो तो लाइट जला करके रहें। और दूसरा यह है कि अगर आप शौच जा रहे हैं तो अपने घर में बने शौचालय में जाएं, खुले में शौच ना करें। अगर आप खेत खलिहान में जा रहे हैं, खुली झाड़ियों में जा रहे हैं तो नंगे पैर कदापि ना जाएं। और अगर आपने पालतू जानवर रख रखा है तो उनको लेप्टोस्पायरियासिस का टीका अवश्य लगवा दें। अगर आपकी गांव सभा में आपके घर के आबादी के नज़दीक में सुअर पालन केंद्र है तो उस पालक से कहिए कि उसके चारों तरफ जो है मच्छरदानी या लोहे की जाली लगवा दें, उसका वेस्ट निष्पादित करें। जो हमारे छोटे वाले हैंडपम्प होते हैं उसका पानी का प्रयोग नहीं करना चाहिए। इंडिया मार का हैंडपम्प का प्रयोग करें और उन हैंडपम्प का पानी पिएं जिनके किनारे जो है अच्छा सा कंक्रीट का चबूतरा बना हुआ है। सड़क के किनारे बिकने वाले कटे हुए फल का सेवन ना करें। इसके अलावा अगर कहीं पर मच्छर का आपको लार्वा दिखता है या मच्छर ज़्यादा दिखते हैं तो नगर निगम या अपनी ग्राम पंचायत को सूचना दीजिए, उनके पास पर्याप्त मात्रा में औषधियां हैं जहां पर फॉगिंग होगी और एंटी लार्विसाइडल का स्प्रे किया जाएगा। और इसी के साथ मैं आपसे उनसे अनुरोध करूंगा कि अपने घरों में गेंदे का फूल, तुलसी की पत्ती, तुलसी का पेड़ और लेमन ग्रास को अवश्य लगाएं। ये मच्छर रोधी प्लांट होते हैं जो सर्व सुलभता से चारों तरफ उपलब्ध होते हैं। एक बार मैं पुनः दोहराऊंगा, गेंदे का फूल का पेड़ पौधा, तुलसी का पौधा और जो है लेमन ग्रास, ये तीन ऐसी प्रजातियां अभी कॉमन हैं तो बहुत तरह की हैं, करीब 10-12 प्रजातियां वनस्पतियां होती हैं, लेकिन ये सार्वजनिक और काफ़ी कॉमन होती हैं। इनका प्रयोग हम हर आदमी अब जैसे इस मौसम में कर लेंगे। लेमन ग्रास से हम अपनी जो है स्वास्थ्यवर्धक चाय बना के पी सकते हैं, तुलसी की पत्ती से हमें बहुत सारी पौष्टिक चीज़ें मिलती हैं और गेंदे के पौधे से हमें जो है सुंदरता प्राप्त होती है। तो इसको अगर हम आप अपने दरवाजे पर, अपने घर में, अपने पार्कों में, तमाम जगहों पर अगर लगाएंगे तो मच्छरों से हमें बचाव होगा। इसके साथ साथ व्यक्तिगत स्वच्छता पर विशेष ध्यान सबको देने की ज़रूरत है। और मैं निश्चित रूप से ये कहता हूँ कि अगर किसी को बुखार की समस्या है तो तत्काल नीम हकीम के चक्कर में ना पड़े। ग्रामीण क्षेत्रों पर हमारी ETC बनी हुई है, आप वहाँ पर पहुँच करके अपना उपचार कराएं। अगर वहाँ नहीं होता तो मिनी PICU गगहा, पिपरौली और चरगा चौरी चौरा में बनी हुई है। अगर वहाँ से नहीं होता तो हमारा
PICU जिला अस्पताल में है और मेडिकल कॉलेज में है। आप यहाँ पहुँचे, यहाँ पर जितने भी हाई ग्रेड फीवर के उपचार हैं सभी जांचें निःशुल्क की जाती हैं, पूरी तरह से उपचारित। एक चीज़ और है, जैसे कि आजकल बड़ा प्रचलन है कि लोग जो है प्लास्टिक की बोतल में पानी पीते हैं, प्लास्टिक की बोतल में चाय पीते हैं, उसको सड़क के किनारे फेंक देते हैं। मित्रों सच बताऊं, ये सब एक कृत्रिम जलाशय का काम करते हैं। अगर आपने पॉलीथीन की जैसे पानी पिया, मिनरल वाटर पिया और उस बोतल को बिना नष्ट किए हुए सड़क के किनारे फेंक देते हैं तो उसमें पानी, बरसात का पानी इकट्ठा हो जाएगा, वो एक जलाशय का काम करेगा और उसमें मच्छर अपने अंडे देगा, उनके लार्वा पनपेंगे, मच्छर की एक नर्सरी बन जाएगी। इसी तरह से चाय पी करके आप बाहर सड़क पर फेंक देते हैं या प्लास्टिक की झिल्लियाँ जिनमें आप अपनी सब्जियां या फल लाते हैं उसको सड़क पर अगर फेंक देते हैं तो इसमें भी पानी एकत्र हो जाता है और ये भी हमारी ज़्यादा बहुत ज़्यादा मच्छर जनित बीमारी का करता है। छोटी छोटी सावधानियाँ हैं, अगर हम इनके ऊपर बचाव करेंगे और इन पर ध्यान देंगे तो निश्चित रूप से हम विभिन्न प्रकार के संक्रामक रोगों से बचे रहेंगे। 1 तारीख से पूरा जनपद जो है 31 तक जो है संक्रामक रोग माह मनाएगा। 7 तारीख से लेकर के 21 तारीख तक हम दस्तक अभियान चलाएंगे, जिसमें हमारी आशाएँ, हमारी आंगनबाड़ी घर घर जा कर के स्वास्थ्य के बारे में शिक्षा देंगी और संक्रामक रोग से बचने का उपाय देंगे। सभी लोगों से अपेक्षा है कि हमारी आशाओं, आंगनबाड़ी और ANM को अपना भरपूर सहयोग दीजिए, गोरखपुर को स्वच्छ और स्वस्थ बनाने में अपना सहयोग दीजिए। सेवा पखवाड़ा के अंतर्गत जल संरक्षण एवं जल संचय के प्रति धर्मशाला स्थित विश्वकर्मा मंदिर में भाजपा के पिछड़ा वर्ग मोर्चा के प्रदेश उपाध्यक्ष चिरंजीव चौरसिया की अध्यक्षता में जल ही जीवन विषय पर गोष्ठी का आयोजन किया गया। इस अवसर पर कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष पिछड़ा मोर्चा के प्रदेश उपाध्यक्ष चिरंजीव चौरसिया ने कहा कि जल ही जीवन है। वर्तमान में देश में जो जल की समस्या विकराल रूप ले रही है, पानी का जो संकट हो रहा है, इससे जनता को जागरूक करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में आज पूरे देश एवं महानगर के सभी 10 मंडलों में जनता से आग्रह किया गया है कि जल का संरक्षण ठीक से करें, उसका उपयोग ठीक से हो ताकि जल का संकट ना आने पाए। इस अवसर पर सचिन जायसवाल, विकास राज, राहुल पहलवान, दयानंद शर्मा, अनिल शर्मा, अजय गुप्ता, बबलू गुप्ता, रविन्द्र प्रताप सिंह, राजू, शशांक त्रिपाठी, मोनू खान, आनंद अग्रहरी, चंद्र प्रकाश यादव सहित अन्य लोग उपस्थित रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए भाजपा के पिछड़ा वर्ग के प्रदेश उपाध्यक्ष चिरंजीव चौरसिया ने कहा, अभियान को लेकर के जन जागरूकता कैसे हो, इस विषय पर एक संगोष्ठी का आयोजन इस विश्वकर्मा मंदिर के प्रांगण में किया गया है। अभिनंदन करता हूँ हमारे बीच में महानगर के महामंत्री श्री अच्युतानंद शाही जी है, मैं आपका भी हार्दिक स्वागत करता हूँ। हमारे बीच में क्षेत्रीय आमंत्री श्रीमती अर्चना सिंह जी हैं, मैं आपकी स्वागत अभिनंदन करता हूँ। हमारे बीच रविंद्र प्रताप सिंह जी, राजू भैया, आपका भी हार्दिक स्वागत है। हमारे महानगर कार्यकारिणी के सभी उपाध्यक्षगण, हमारे सभी दोनों महामंत्री संचालन में हैं, श्री शिवानंद सिंह जी, गजेंद्र सिंह जी, ठीक है, सभी सदस्य, मंडलों के सभी मंडल अध्यक्ष और पीछे दिखाई देने वाले जितेंद्र शैली जी, पार्षद ठाकुर, इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे पिछड़ा मोर्चा के महानगर के अध्यक्ष आदरणीय रमेश चंद्र गुप्त जी, प्रदेश की मंत्री पिछड़ा मोर्चा ज्योति सोनी जी, महानगर के उपाध्यक्ष और आप सभी पार्टी को जब भी आवश्यकता पड़ती है हमेशा सहयोग करके, स्थान दे करके और दिन भर उस कार्यक्रम को सफल बनाने में पूरी अहम भूमिका निभाने वाले महानगर के उपाध्यक्ष आदरणीय दयानंद शर्मा जी, इसके पहले सरकार वहां पर प्रयास नहीं कर पाती थी कि लोगों को जल की सुविधा मिल सके, लेकिन 2017 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री गोरखपुर के विधानसभा को योगी आदित्यनाथ जी महाराज ने प्लानिंग करके बुंदेलखंड में छल की व्यवस्था करके वहां के लोगों को जीवन स्तर सुधारने का मौका दिया।
चौरसिया प्रदेश उपाध्यक्ष पिछड़ा वर्ग मोर्चा उत्तर प्रदेश। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी के जन्मदिन से शुरू होकर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के जन्म जयंती के दिन तक चलने वाले सेवा पखवाड़ा के अवसर पर जो वर्तमान में देश में जो समस्या विकराल रूप ले रही है, पानी का जो संकट हो रहा है, इससे जनता को जागरूक करने के लिए भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व आज सुबह से ही पूरे देश में और ख़ास करके हमारे यहाँ गोरखपुर के सभी मंडलों में आज जनता को सचेत करने का कार्यक्रम किया है। जनता से आग्रह किया गया है कि जल का संरक्षण ठीक से करें, उसका उपयोग ठीक से हो, ताकि जल का संकट अपने इस क्षेत्र में ना आने पाए। आज उसी की अवसर पर ये गोष्ठी का आयोजन किया गया है और हम सब गोष्ठी के माध्यम से आज अपने सभी नागरिकों को सचेत करने के लिए यहाँ पे आए हैं और गोष्ठी के माध्यम से उनको समझाने का प्रयास कर रहे हैं। गोरखपुर न्यूज में आज के लिए बस इतना ही। जाने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। गोरखपुर न्यूज के सह प्रायोजक है मटकू मंगलम टावर गोलघर गोरखपुर। दो दिवसीय दौरे पर अपने गृह जनपद गोरखपुर पहुंचे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ विभिन्न कार्यक्रम में लिया भाग। गोरखनाथ मंदिर में करेंगे रात्रि विश्राम। शुक्रवार को प्रातः 9:30 बजे से सरयू नदी के बाढ़ प्रभावित जनपदों गोरखपुर, संत कबीर नगर, बस्ती, अयोध्या, गोंडा एवं बाराबंकी का करेंगे हवाई सर्वेक्षण। गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए जिलाधिकारी कृष्णा करुणेश ने बुधवार को इस्लामिया कॉलेज ऑफ नर्सिंग की छत गिरने से हुई घटना पर कहा कि घटना में 2 व्यक्तियों को किया गया रेस्क्यू, एक की मौके पर हो गई मौत, दूसरे का हॉस्पिटल में चल रहा है इलाज। जांच के लिए सिटी मजिस्ट्रेट के नेतृत्व में टीम किया गया है गठित। रिपोर्ट आने के बाद की जाएगी कार्यवाही। विश्व प्रसिद्ध धार्मिक पत्रिका कल्याण के आदि संपादक हनुमान प्रसाद पोद्दार भाई जी की 130वीं जयंती पर सीएम योगी ने दी उन्हें शब्दांजलि। कहा, विचार एवं आचरण में संभाव रखने वाला ही सच्चा धार्मिक सनातन धर्म संस्कृति के प्रति समर्पित रहा है भाई जी का जीवन। छह वर्ष के बच्चे का अपहरण कर फिरौती मांगने के आरोप में अभियुक्त अनिल को बेलघाट थाने की पुलिस ने किया गिरफ्तार। अपहृत बच्चे व मोबाइल को किया बरामद। एसपी साउथ ने किया खुलासा। जीडीए के नवागत उपाध्यक्ष महेंद्र सिंह तंवर ने कार्यभार किया ग्रहण। कहा, चल रहे विकास कार्यों को समय से पूरा करवाना ही होगा उनकी पहली प्राथमिकता। गौड़ व गौड़ जातियों के उपजातियों की समस्याओं को दूर करने के लिए मंडलायुक्त रवि कुमार एनजी ने की बैठक। समस्याओं के समाधान के लिए संबंधित अधिकारी को दिया आवश्यक दिशा निर्देश। बदलते मौसम
मौसम में बड़े विभिन्न प्रकार के संक्रामक रोगों के रोगियों की संख्या से डॉक्टर आशुतोष कुमार दुबे ने कहा, छोटी छोटी सावधानियों से निश्चित रूप से बच सकते हैं विभिन्न प्रकार के संक्रामक रोगों से। 7 से 31 अक्टूबर तक चलाया जाएगा दस्तक अभियान। और सेवा पखवाड़ा के अंतर्गत जल संरक्षण व जल संचय के प्रति जागरूकता अभियान के तहत भाजपा के पिछड़ा वर्ग मोर्चा के प्रदेश उपाध्यक्ष चिरंजीव चौरसिया की अध्यक्षता में जल ही जीवन विषय पर गोष्ठी का किया गया आयोजन। सभी ने जल संरक्षण का लिया संकल्प। अब मुझे दे इजाजत, नमस्कार।